सीरियल कसौटी जिंदगी में कल हमने आपको बताया था कि प्रेरणा जब पहुंचती है उस अनाथालय और वहां पर उसे जल्द ही वो मौसी देख लेती है जिसके हाथों में अनुराग ने अपनी बच्ची स्नेहा को दिया था। आज के एपिसोड में तो और भी बड़ा ट्विस्ट है। दरअसल यहां पर वो मौसी देख लेती है कि प्रेरणा स्नेहा के बहुत करीब है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और फिर वो फ्लैशबैक में जाती है, फ्लैशबैक में जहां अनुराग ने उस बच्ची को संभालने के लिए कहा था और कमोलिका ने उस बच्ची को मासी को दिया था और कहा था कि इसकी माँ अच्छी नहीं है, बहुत लालची है, ये छोड़ के चली गई है, ब्ला 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 बहुत कुछ कहती है। उसके दिमाग में वो बात बैठी रहती है। यहाँ पर वो देखती है कि आज वही माँ यानी प्रेरणा अपनी बच्ची के इतने करीब है और दोनों को पता भी नहीं है कि वो माँ और बेटी हैं। ये बात यहाँ फील करती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे एक और ख़ास बात देखेंगे कि प्रेरणा यहाँ जब इनसे मिलेगी, इस मासी से, तो यहाँ देखेगी इनके गर्दन पे और हाथ पर जले का निशान है। और यहाँ पर पारुल मासी भी रहती है, छोटी वाली जो अक्सर समिधा को संभालती रहती है। यहाँ पर प्रेरणा पूछेगी आप ये जली कैसे, तो वो कहानी बताने लगेगी कि मैं किस तरह जली थी और किस अनाथालय में कैसे आग लगी थी आज 8 साल पहले। प्रेरणा को सब कुछ याद आ जाता है और सबसे पहले वो बात याद आती है कि ये उसी अनाथालय का नाम ले रही है जहां उनकी बच्ची थी। प्रेरणा यहां उसे सब कुछ जानना चाहेगी और रोने लगेगी। ऐसे में मासी सब सच बता देगी कि ये आपकी ही बेटी है, ये समिधा आपकी ही बेटी है, जिसे आप स्नेहा कह रही हैं ये वही बेटी है और इसे मैंने बचा लिया था, इसे मैं अपने साथ लेके आ गई थी। लेकिन ये सारी बातें भी बताएगी कि कैसे कमोलिका ने उसे जब छोड़ते समय प्रेरणा को लेकर कितनी गलत बातें कही थी कि इसकी माँ बहुत लापरवाह है, बहुत लालची है, वो अपनी बच्ची को छोड़ चुकी है, ये सारी बातें कहेगी। यानी आने वाले एपिसोड में जल्द ही प्रेरणा को अपनी स्नेहा मिल जाएगी।